हेलो 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 जी, गुड आफ्टरनून सर। मैं शांति कर रही हूँ, आरबीआर ग्रुप है। सर, आप प्लॉट खरीदना चाहते हैं जेवर एयरपोर्ट के पास, ग्रेटर नोएडा में? जी हेलो जी खरीदना चाहता हूँ। जी सर, आप कितने गज का लेना चाहते हैं? क्योंकि हमारे पास मिनिमम 50 गज से स्टार्टिंग है प्लॉट सबसे के, बड़ा और कौन रेट सा सर फार्म हाउसेस भी है 1800 गज वही का। करवाओ, 1800 वाला। सर, जो रेट है ना इसका, 8,000 से 9,000 रुपये पर गज का है, और हम साइट विजिट करवाते हैं। हाँ नहीं, विजिट नहीं, बस तुम तो करवा दो मेरा, मुझे लेना है और जो है बस फाइनल करवा दो से। अरे तो सर फोन पे सुनोगा, साइट तो देखेंगे ना, फोन पे नहीं भाई, फोन। आपने जेवर एयरपोर्ट बता दिया, बस वो तो फाइनल हो गया, बस इसके पेपर वर्क करवा दो। अच्छा ठीक है सर, लाइन पे अपने सीनियर से बात करवाती हूँ, हाँ ठीक है? सीनियर शाम को से बात आप। करवा दीजिए मेरी, बिल्कुल अभी। कब तक, कल तक हो जाएगा ये सब? हाँ जी सर, 1 सेकेंड। मुझे शिफ्ट होना है यहाँ से, यहाँ निकालना है मुझे। मैं भी फोन आया था, कभी आना से बात करेंगे यार। भाई पूछ तो लो, खाना वाना खा लिया नहीं? पहले खाना खाना जरूरी है, डील की बात बाद में होगी। मैं इससे पेमेंट भी मंगा लूंगा पीछे से। मैम मांगनी है यार, मैम आ रही है। अरे बड़ा वो 1000 1000 वाले करवा लेते हैं, बड़े ज्यादा लोग हैं हाँ हाँ और एयरपोर्ट पास में ही बता रही हैं। हाँ ठीक। मैं पेमेंट मंगा लेता हूँ। हेलो, हेलो हाँ जी सर, लीजिए, आप? असिस्टेंट से बात कर लीजिए। हेलो हेलो, जी मैम, कितना पेमेंट भेजना है? अच्छा इसमें सर आपका जो है फार्म हाउस है 1,800 ये बताइए, का। आपने खाना वगैरह सब खा लिया है? उसके बाद डील की बात करते। सॉरी, हेलो। हेलो हाँ जी सर, जी, आप कितना बता रहे थे? 1080? 1080 नहीं बता रहे थे सर, कितना एक था? हजार आठ सौ 1,008। अच्छा 1008। चलिए हाँ तो जी उसको कितना फाइनल करवाइए। अरे सर, वो तो इंस्टॉलमेंट पे ही है, आप इंस्टॉलमेंट पे नहीं, करेंगे। इंस्टॉलमेंट नहीं, नहीं हमें नहीं तो ये सर, जो है एक अमाउंट बार में बताइए, करना है पूरा भेजना कंप्लीट, फिर मैं फिर अमाउंट बात बाद करता बाद एक जगह हमें नहीं चाहिए, हूँ। क्योंकि अब जो है हम यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं अलीगढ़ से, क्योंकि यहाँ जो है निकालना है ये लोग, समझे? शिफ्टिंग नहीं हो पा रही है। तो कोई नहीं सर, आप इसे फाइनल कर लीजिए। 70 लाख का आपका पूरा 1,800 गज का है। अच्छा तो कल तक, आज हो जाएगा या कल करना दो मैम, पड़ेगा? दो चाहिए हमें। अरे नहीं, अब एक से कर लेते हैं, अभी पहले एक इन्वेस्ट करूँ, बाद में दूसरा। दूसरा बात। भाई 1,50,000 रुपए रखे हैं, उसका क्या होगा? कभी अरे रुक जाओ, तो कब तक करना है इसको? चलिए भी कर सकते हैं सर, 7 डेज ओपन है हमारा ऑफिस। तो आप एक काम करिए। अच्छा पैसे अभी देने पड़ेंगे है ना? सर वो तो प्रॉपर्टी देखेंगे, बुक करवाएंगे तो अमाउंट पे करवाएंगे, नहीं, पहले अभी हम ये देखेंगे। सोच रहे हैं कि हमारा जो पैसा वैसा है वो तो अभी अभी अरे कहीं एक अटका हुआ है, मतलब आप हमें दिन पहले ये दे दीजिए, मतलब हमें वहां रहने वहने दीजिए, उसके बाद हम देते रहेंगे पैसे, क्योंकि तो सर अभी उसमें आपको रहने के कब्जा बहुत दिक्कत लेना हो रही है। पड़ेगा, जी कब्जा? कब्जा तो लेना पड़ेगा सर, बुक तो अरे करवा। नहीं, कब्जा कर लेंगे हम, आगे हम 4-5 हैं। वेरी गुड, आप आइए नहीं और कब्जा कीजिए, ठीक है सर? नहीं कब्जा कर लेंगे, उसके बाद हम आपको मतलब पैसे दे देंगे, अभी हमारे फंसे हैं कहीं पैसे। मैं यही तो कह रही हूँ सर आपसे कि आप बिना बुक कराए थोड़ी ना कब्जा कर लेंगे। 5,100 रुपये नहीं बुक मिनिमम कर दो ऑफिस हमारा, का, तुम बुक कर दो ठीक है भाई। सर? तो ठीक है सर, पे कर दीजिए, मैं कंपनी का अकाउंट आपको सेंड कर देती हूँ। हाँ वो अकाउंट भेज दो हमें और जो है हमारा क्या करवा दो करता हूँ काम। बोलो, आप कल आएंगे फिर सर? अब पैसे देने के बाद भी आना जाना पड़ेगा, फिर क्या फायदा? फिर ये पैसे का क्या फायदा है? अच्छा, मतलब आपको जमीन नहीं देखनी है, बस आपको खाली पैसे देने हैं, हमें जमीन क्या देखनी है हम लोगों को? अब हमने तो कह दिया बस। ठीक है सर? शांति मैम, इन्हें अकाउंट नंबर सेंड कर दो, ठीक है सर? कितनी देर में पेमेंट कर देंगे? अरे ऐसे थोड़ी है अभी कि एकदम पेमेंट कर देंगे, अभी हमें यहाँ से निकलना है, ये अभी गाड़ी निकालने हैं, ओके, तो गाड़ी निकाल के फिर जाएंगे कहाँ सर आप? पहले हबीबगंज जाएंगे, उसके बाद ओके, दुबई ना चले जाओ तुम। नहीं, पहले हबीबगंज जाएंगे कल, अभी जो हमारे सेशनल आने वाले हैं उनकी तैयारी करनी है। अरे करोड़ों रुपए तो होंगे सर, है ना? नहीं, बैग इतना पैक इतना इतना पैसा नहीं है हमारे भेज पास, दूँ? बस इतना है कि मतलब आपकी एक बात अच्छी लगी, आपने जो बोला ना कि 5-6 आदमी हम कब्जा कर लेंगे, फनी था ये। नहीं, हमारे यहाँ जिस हॉस्टल में हम रह रहे हैं यहाँ कब्जे का बहुत वो है कि लड़के जिसने कब्जा कर लिया बेड तो उसका बेड हो गया। वो बेड होगा, ठीक है, जमीन नहीं होती, जो अरे यहाँ आके बहुत देखोगे मार तो पता पिटाई चल चल, जाएगा। जो प्रोवोस्ट होते हैं ना वो भी कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर बहुत बुरा हाल है। ओह वेरी गुड, चलो कब्जा वब्जा तो हम कर लेंगे। चलिए अभी जरा थोड़ा मुझे कहीं जाना है, क्योंकि बात करते हैं कल दोबारा ना। ओके। तो अपने जो बॉस है ना उनको फोन दे दीजिएगा, ठीक है? ठीक।
बनाऊंगा उनको।